हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और आप मेरी वीडियोस को पसंद कर रहे होंगे। आज मैं आपके सामने एक और टॉपिक लेके आई हूँ, वो है बैंक ओवरड्राफ्ट। आज इसके मतलब को समझेंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है? बैंक से निकाले हुए जो राशि होती है उसे बैंक ओवरड्राफ्ट कहते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल के नए व्यूअर हैं तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि बैंक ओवरड्राफ्ट किसे कहते हैं। बैंक से अधिक निकाली गई राशि को बैंक ओवरड्राफ्ट कहते हैं। जब कोई खाता शून्य पहुँच जाता है और तो एक ओवरड्राफ्ट उधार संस्था से क्रेडिट का विस्तार होता है। एक ओवरड्राफ्ट व्यक्ति को धन वापस लेने की एक अनुमति देता है कि भले ही खाते में कोई धन नहीं है या वापसी को एक कवर करने के लिए पर्याप्त ना हो। असल में ओवरड्राफ्ट का मतलब यही है कि बैंक ग्राहकों को एक निश्चित राशि उधार लेने की अनुमति देता है। आपका बैंक अपने ओवरड्राफ्ट को कवर करने के लिए अपने स्वयं के धन का उपयोग करने का विकल्प चुन सकता है। एक और विकल्प ओवरड्राफ्ट को क्रेडिट कार्ड से जोड़ना है। यदि बैंक आपके ओवरड्राफ्ट को कवर करने के लिए अपने स्वयं के धन का उपयोग करता है तो वह आमतौर पर क्रेडिट स्कोर को प्रभावित नहीं करता, लेकिन ओवरड्राफ्ट सुरक्षा को आपको चेकिंग खाते के प्रबंधन करने के लिए एक मूल्यवान टूल प्रदान करती है। इस तरह हम कह सकते हैं कि बैंक ओवरड्राफ्ट जो है चालू खाते पर फ्लेक्सिबिलिटी उधार सुविधा जो मांग पर चुकाया जा सकता है, इसे हम क्या कहते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट कहते हैं। जब कोई खाताधारी या ग्राहक किसी विशेष सुविधा के अंतर्गत अपने खाते में जमा धन राशि से अधिक राशि निकाल लेता है तो उस स्थिति में हम ओवरड्राफ्ट में डालते हैं। जैसे एक अमन है, वो बैंक में 1,00,000 रुपये का जमा करता है और उसने 1,25,00,000 रुपये जो है उधार निकाल लिए बैंक से, तो उसके खाते में 25,000 रुपये का ओवरड्राफ्ट शेष बचेगा। अधिविकर्ष की राशि है वो बैंक पर निर्धारित दर से ब्याज वसूलता है जो कि बैंक की आय कहलाती है और ग्राहक के लिए एक्सपेंसेस कहलाता है। तो अधिविकर्ष की दशा में जो कैश खाते के बैंक का कॉलम का शेष है उसे क्रेडिट बैलेंस होता है और पासबुक में उसे डेबिट बैलेंस कहते हैं। क्योंकि ओवरड्राफ्ट की स्थिति में बैंक समाधान विवरण दो प्रकार से बनाया जाता है कि रोकड़ बही के जमा शेष में आधार मानकर और रोकड़ बही के नाम पर शेष को आधार मानकर। ठीक है, एक में जमा शेष को और एक में नाम शेष को आधार मानकर हम ओवरड्राफ्ट की स्थिति को समझते हैं। तो आशा करती हूँ आपको बैंक ओवरड्राफ्ट समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मैं प्रियंका गौर अलविदा लेती हूँ। नई वीडियो के साथ आपके सामने आऊंगी। थैंक्स।